हर देश में ऐसे लोग और कुछ कंपनीज मौजूद होती हैं जिनके लिए पैसा कमाना देश की सिक्योरिटी से भी ऊपर होता है, और ये लोग दो चार डॉलर्स बचाने के लिए अपने खुद के देश को तक बेच देते हैं। अब मैं यहाँ पर किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत में भी ऐसे लोग और कंपनीज मौजूद हैं जो कि भारत की सेना की कई रिक्वेस्ट के बावजूद हमारी सेना को धोखा देने का काम कर रही थी। नो डाउट कि भारत में कई सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। स्मार्टफोन से लेकर ड्रोन्स और कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आज भारत में मैन्युफैक्चर हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ सच्चाई ये भी है कि भारत में केवल फाइनल असेंबली लाइन शिफ्ट हुई है। जिन भी कंपनीज ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है वो अभी भी काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को चाइना से भारत में इंपोर्ट कर रहे हैं। चाइना से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं, खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D जीरो होती है, बस चाइनीज कंपोनेंट्स को असेंबल करके मेड इन इंडिया के टैग के साथ मार्केट में उतार दिया जाता है। आम लोग जो इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को यूज करते हैं वहां तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत पैदा हो रही है भारत की सेना के लिए। दो दिन पहले ही हमने ये देखा है कि इसराइल ने किस तरह से लेबनान में हिजबुल्ला के पेजर्स और वॉकी टॉकी को घर बैठे ही एक्सप्लोड करवा दिया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से डेटा चोरी होने और लोकेशन ट्रैक होने का बड़ा खतरा होता है, इसलिए भारतीय सेना ने सभी पर्सनल्स के लिए मेड इन चाइना फोन यूज करने के ऊपर रोक लगा दी थी। बकायदा स्मार्टफोन्स के ब्रांड्स का नाम बताकर सेना के सभी जवानों से कहा गया था कि वो इन चाइनीज ब्रांड के फोन को यूज ना करें। ये चीज तो खैर सॉल्व हो गई थी, लेकिन अगला टास्क था भारतीय सेना जो वेपन्स यूज कर रही थी वहां से चाइना को किक आउट करना। सबसे पहले भारतीय सेना ने उन कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज करना बंद कर दिया जो मेड इन चाइना थी या फिर जिन कंपनीज के चाइना के साथ लिंक्स थे। टेंडर के समय साफ तौर पर मेंशन किया गया कि चाइना से लिंक्ड वेंडर्स टेंडर में अप्लाई ना करें, और जो अप्लाई कर रहे हैं वो खुद सेल्फ सर्टिफाई करेंगे उनके चाइना के साथ कोई भी लिंक्स नहीं है। लेकिन दिक्कत अभी आ रही है कि भारत में जो नई कंपनीज खड़ी हो रही हैं उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर मेड इन इंडिया का जो टैग लगा हुआ है वो पूरी तरह से फेक है, और उनमें भी काफी सारे चाइनीज कंपोनेंट्स इंपोर्ट करके फिट किए गए हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं ड्रोन्स और लॉयटरिंग म्यूनिशंस के साथ। आपने देखा होगा कि पिछले काफी समय से इंडियन आर्मी बॉर्डर एरियाज और खासकर जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर्स के दौरान ड्रोन्स का हैविली यूज कर रही है। अकेले नॉर्दर्न कमांड ने 800 अलग अलग तरह के ड्रोन्स और लॉयटरिंग म्यूनिशंस पिछले कुछ सालों में परचेज किए हैं, और ये ड्रोन्स और म्यूनिशंस हमारी सेना इंडियन कंपनी से परचेज कर रही थी। लेकिन अब पता चला है कि इनके अंदर चाइनीज कंपोनेंट्स फिट किए गए हैं। दो कंपनीज का नाम सामने आ रहा है, एक का नाम है दक्ष अनमैन्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी का नाम है गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। दोनों कंपनीज को सेना ने फ्लैग कर दिया है क्योंकि इनके द्वारा जो सप्लाई किए गए ड्रोन्स थे उनमें चाइनीज कंपोनेंट्स पाए गए हैं। दक्ष अनमैन्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को तो भारतीय सेना ने 200 की संख्या में लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स का भी एक ऑर्डर प्लेस किया था, और ये कॉन्ट्रैक्ट अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सस्पेंड करके होल्ड के ऊपर डाल दिया है क्योंकि ये ड्रोन्स लद्दाख LAC में भारत और चाइना के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय होने थे। अब इन दोनों कंपनीज को कहा गया है कि वो ये प्रूव करें कि वो जो ड्रोन्स इंडियन आर्मी को सप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई भी चाइनीज कंपोनेंट नहीं है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अब सेल्फ सर्टिफिकेशन को हटाकर खुद का एक मैकेनिज्म तैयार करने का फैसला किया है, एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे पता चले कि जो वो ड्रोन्स और म्यूनिशंस भारत की कंपनी से परचेज कर रहे हैं उनके अंदर कोई भी चाइनीज कंपोनेंट प्रेजेंट ना हो, ताकि इस चीज के लिए पूरी तरह से कंपनीज के ऊपर ही निर्भर ना हुआ जाए।